उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। उधर सपा की मंशा है कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करे तो उसे महाराष्ट्र और हरियाणा में भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस से जुड़े नेता फिलहाल हरियाणा में अकेले दम पर ही चुनाव मैदान में जाने की बात कर रहे हैं। इसे राजनीतिक गलियारे में गठबंधन पर असर के तौर पर देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि अगर अन्य राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता है तो इसका असर यूपी में भी देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अब दूसरे राज्यों में भी अपने विस्तार की गुंजाइश देख रही है। उसकी मंशा है कि जैसे कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, उसी तरह कांग्रेस अन्य राज्यों में भी सपा को साथ लेकर चले, जबकि सूत्र बताते हैं कि स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे राज्य जहां कांग्रेस सीधे तौर पर भाजपा से मुकाबिल है, वहां के स्थानीय नेता नहीं चाहते कि किसी क्षेत्रीय दल के लिए रास्ते खोले जाएं, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में अन्य घटकों को मनाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन मुश्किल में आ सकता है। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हुए हैं। सपा की मंशा हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने की है। ये सीटें दक्षिण हरियाणा में आती हैं और इन्हें मुस्लिम यादव बहुल माना जाता है। सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों अखिलेश ने इस संबंध में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात की है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता यही कहते सुने जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है। जानकार मानते हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ हस्तक्षेप करके इस संबंध में कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो इसका असर यूपी पर पड़ना तय है, क्योंकि यहां अब लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव और फिर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं।